हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गुरीन और आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में चलो देखते हैं व्हाट इज डाटा डाटा होता है ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म अनऑर्गेनाइज मतलब बस ऐसे कुछ डिजिट्स दिए हैं या कुछ वैल्यूज़ गिवन है हमें उसका कोई मतलब नहीं बन रहा दैट इज सिंपल डाटा एंड हैंडलिंग मतलब उस डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना दैट टू ऑबेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा मतलब हमें उस डाटा से वो जो नंबर्स हैं जो वैल्यूज़ हैं उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके चलो एग्जाम्पल देखते हैं जैसे यहाँ पे ना ये मार्क्स गिवन वन है दीजा मार्क्स ऑफ योर फ्रेंड्स टेन फाइव एटीन ट्वेंटी फोर ऐसे करके मार्क्स गिवन है क्या ये मार्क्स देख के हमें कुछ पता लग रहा है या हम कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पर जैसे ही अगर मैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दूँ तो तब क्या हमें कुछ पता लग रहा है कि लोएस्ट मार्क्स कितने थे टू हाइस्ट मार्क्स कितने थे ट्वेंटी फ़ोर और कितने मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आए मतलब मैक्सिमम बच्चों के कितने आए आप देख सकते हो यहाँ पे टू फाइव टेन टू दो बच्चों के आए हैं फिर ट्वेल्व थर्टीन फिर एटीन 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 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मतलब मैक्सिमम बच्चों के एटीन मार्क्स आए हैं तो मतलब ये जो है इसे हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग रही है कुछ ठीक है दैट इज़ डाटा हैंडलिंग तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर के अंडर हम पढ़ेंगे कि कैसे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इसके लिए हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यूज़ के बारे में अब इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्यों कहते हैं पहले तो मेजरली हमारे पास थ्री रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं मीन मोड और मीडियन ठीक है अब इन्हें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्यों कहते हैं इन्हें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ या सेंट्रल वैल्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डाटा के बारे में जो डाटा में सारे नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं दे टेल टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन इज एरेथमेटिक मीन और एवरेज मीन को हम एवरेज भी कहते हैं पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं ठीक है इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज मतलब जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है उन सबको एड करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई जितने हमें वैल्यूज़ गिवन है ठीक है अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं उससे हमें क्लियर होगा फाइंड द मीन मार्क्स ऑबटेंड आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव बाई इलेवन स्टूडेंट्स इन अ क्लास ये हमें मार्क्स गिवन है जैसे हमें पीछे गिवन थे इसका हमें मीन निकालना है मतलब मीन मार्क्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे इन सबको ऐड करके टेन प्लस फाइव प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन जितने भी मार्क्स हमारे पास हैं थर्टीन एटीन प्लस टेन प्लस ट्वेल्व एटीन प्लस टू और प्लस ट्वेंटी फोर ये हो गया सम इसको आप ऐड करोगे यू नो हाउ टू ऐड डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन नंबर्स हैं और फॉर्मूला में है नंबर ऑफ़ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज तो वैल्यूज कितनी है हमारे पास इलेवन तो डिवाइडेड बाय इलेवन आप जब इसको सॉल्व करोगे ऐड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू वन फिफ्टी फोर और डिवाइड किससे करें रहे इलेवन से डिवाइड करके आंसर आएगा फोर्टीन मतलब जो फोर्टीन है दिस इज द एवरेज एवरेज और मीन वैल्यू ठीक है अब इसको हम मीन वैल्यू या एवरेज या फिर जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो फोर्टीन है ये सारे मार्क्स को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इनके कह सकते हैं इनके बीच का नंबर है ठीक है कि जैसे ये सबके क्लोज है दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज जस्ट रिमेंबर द फॉमूला सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है ओके यू स्लेप फॉर फाइव आवर्स सेवन आवर्स टेन आवर्स फोर आवर्स सिक्स आवर्स सेवन आवर्स एंड टेन आवर्स एवरी डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे मतलब यहाँ पे आपके सोने की ड्यूरेशन दी हुई है हर दिन वीक के हर दिन की स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे ओके तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स ऑन एन एवरेज यू स्लीप पर डे यहाँ पे हमें पूछा है एवरेज अब जब भी आपके पास एवरेज वर्ड गिवन हो तो हमेशा याद रखना कि आपको मीन ढूंढना है ठीक है जैसे अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि यार तो दिन में कितने घंटे सोता है तो आप हर दिन का अलग आवर्स की ड्यूरेशन तो नहीं बताओगे तो आपने बोला एवरेज इतने आवर्स हो ही जाता है ठीक है तो वो कितने आवर्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे इसमें मीन ढूंढ के अब आप याद करो कि मीन का फॉर्मूला क्या था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे आर्स जिनमें हम सोए थे ठीक है पहले है फाइव आवर्स मंडे का देन सेवन देन टेन राइट फिर है फोर सिक्स सेवन सिक्स सेवन एंड टेन आवर्स अब हमारे पास कितने कितने ऑब्जर्वेशंस है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो एवरी डे ऑफ द वीक है एक वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज तो ये होगा डिवाइडेड बाय सेवन राइट इसको जब आप ऐड करोगे योर आंसर विल बी फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सेवन फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सेवन इज इक्वल टू सेवन राइट मतलब हमारा आंसर है सेवन आवर्स ऑन एन एवरेज यू स्लीप सेवन आवर्स इन अ डे ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट टू रिमेंबर ये हमेशा याद रखेंगे दैट द वैल्यू ऑफ द मीन लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब जो जो भी हमारे पास डाटा है ठीक है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी या फिर जो हमारा मीन होगा वो हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करेगा ऐसा क्यों है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ठीक है अगर वो छोटे नंबर से भी छोटा हो गया तो वो क्या क्या बाकी नंबर्स के आसपास होगा नहीं अगर वो बड़े नंबर से बड़ा हो गया तो तो भी वो बाकी नंबर्स के आसपास नहीं होगा तो वो छोटी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेगा ओके सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि वो हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में लाया करेगा जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फाइव एट एंड एलेवन ठीक है इसका आपको मैं बोलूँ कि मीन निकालना है दैट विल बी फाइव प्लस एट प्लस इलेवन डिवाइडेड बाय थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय थ्री और हमें पता है ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय थ्री इज एट एंड दैट लाइज बिटवीन द डाटा मतलब ना वो फाइव से छोटा है ना ही इलेवन से बड़ा है तो ये नहीं मैं ये नहीं कह रही सेंट्रल वैल्यू आएगी पर वो हमेशा डाटा के बीच में लाई करेगी ओके okay? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ रेंज ठीक है रेंज क्या है रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब जब हम किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो भी डिफरेंस सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का होगा वो है हमारी रेंज अब इसको रेंज क्यों कहते हैं रेंज मतलब जैसे वाईफाई की रेंज होती है ठीक है uh, वाईफाई की रेंज मतलब कहाँ तो तक उसका सिग्नल आ रहा है ठीक है आप अपने घर से चलते हो तो थोड़ी दूर तक जाके देखते हो तो आप देखते हो आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा दैट मीन्स उसकी रेंज उस पॉइंट तक है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस दैट इज़ आर रेंज ओके तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है देर आर फाइव चिल्ड्रेन इन अ टीम हो मेड अ रोबोट ओके फाइंड द रेंज ऑफ देर एजेस ये एजेस गिवन है हमारे पास और हमें रेंज ढूंढने कि वो बच्चों की एजेस किसके बीच में लाए करती हैं तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ठीक है थर्टीन फिफ्टीन फिर है सिक्सटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ओके तो रेंज का फॉर्मूला क्या है डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ओके हाइएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास इसमें ट्वेंटी एंड लोएस्ट वैल्यू इज थर्टीन तो रेंज होगी ट्वेंटी माइनस थर्टीन विच इज़ इक्वल टू सेवन सो सेवन इज द रेंज ऑफ द डाटा ओके इट्स अ स्मॉल कंसेप्ट बट यू हैव टू रिमेंबर इट लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है ओके okay? यहाँ पे थ्री प्लेयर्स हैं ओके ए बी एंड सी उन्होंने फोर गेम्स खेली हैं गेम वन गेम टू गेम थ्री एंड गेम फोर और ये उनके पॉइंट्स के बिन है जैसे ए ने गेम वन में फोर्टीन पॉइंट स्कोर किए गेम टू में सिक्सटीन फिर टेन फिर टेन लाइक दैट ओके okay, हमारे पास क्वेश्चन में है दैट फाइंड द मीन स्कोर ऑफ़ ए बी एंड सी ओके अब मीन स्कोर के लिए हमें ये पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है दैट इज़ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या आएगा फोटीन प्लस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस टेन डिवाइडेड बाई फोर बिकॉज ही हीज प्लेड फोर गेम्स तो इसका आंसर क्या होगा दिस विल इसको एड करके आंसर आएगा फिफ्टी ओके डिवाइडेड बाई फोर तो आंसर हुआ हमारा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिमिलरली बी ने जीरो एट सिक्स एंड फोर पॉइंट स्कोर किए हैं तो आप इनको एड करके डिवाइडेड बाई फोर करोगे दैट विल बी योर मीन फॉर बी अब हम सी का कैलकुलेट करते हैं ओके अब जैसे आप देख सकते हो कि सी ने गेम वन में एट पॉइंट स्कोर किए गेम टू में इलेवन गेम थ्री उसने खेला नहीं है डिड नाट प्ले एंड फोर में थर्टीन तो क्या हम थर्ड गेम को काउंट करेंगे लेट्स सी जब हम सी का मीन निकालेंगे तो वो आएगा एट प्लस इलेवन प्लस थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री अब हम इसने इसमें थ्री क्यों लिया है वाई डेंट वी टेक फोर क्योंकि उसने एक गेम खेली ही नहीं है दैट इज़ वाई अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो हम लेते कि उसने खेली पर उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया बट यहाँ पे अगर उसने खेली नहीं सो वी विल नॉट काउंट दैट तो वो डिवाइडेड बाय थ्री होगा ठीक है तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे आंसर विल बी टेन पॉइंट सिक्स सेवन ओके दिस इज द मेन स्कोर ऑफ सी बी का आप खुद निकालेंगे ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मोड मोड है हमारी सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू मतलब ये हमें डाटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है तो पहले हम देखते हैं मोड की डेफिनेशन इट सेज द मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम राइट मतलब कि जैसे आपके पास कुछ डाटा गिवन है उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं ठीक है थीके? अब उस वैल्यू में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है दैट इज़ आर मोड तो जैसा अब हमारे पास यहाँ पे एक पर क्वेश्चन है ऑबटेन द मोड ऑफ द गिवन डाटा अब फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो टू दैट यू विल हैव टू अरेंज द डाटा और द सेट ऑफ वैल्यूज़ इन एन ऑर्डर तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा पहले अरेंज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है पहले हम इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा राइट right? तो पहले आएगा थ्री फिर है हमारे पास फोर एक और फोर है हमारे पास देन वी हैव फाइव फाइव वी हैव थ्री टाइम्स ओके तो ये हो गया फाइव देन वी हैव सेवन एंड नाइन ठीक है थ्री फोर फोर तीन बार फाइव है फिर है सेवन और फिर है नाइन ठीक है क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आकर हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो फोर टू टाइम्स आया है फाइव थ्री टाइम्स आया है और ये सब एक एक बार आया है तो क्लियरली हम देख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि मोड ऑफ़ द डाटा इज़ फाइव दे फॉर योर आंसर इज़ फ़ फ़ाइव कि मोड इज़ इक्वल टू फाइव ओके ये हमने कैसे देखा डाटा को अरेंज करके एंड देन अपनी ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मीडियन और मीडियन है हमारा थर्ड सेंट्रल वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू सो मीडियन रेफर्स टू द नंबर दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा मिडल ऑफ द डाटा मतलब सेंट्रल नंबर ठीक है वेन द डाटा इज अरेंज इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें भी हमें पहले डाटा को अरेंज करना है और फिर हम मीडियन ढूंढेंगे डाटा का ठीक है यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा लेट्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर पहले है ट्वेल्व एक और ट्वेल्व एन अदर ट्वेल्व ठीक है हमारे पास थ्री टाइम्स ट्वेल्व है देन वी हैव थर्टीन थर्टीन देन फोर्टीन एन अदर फोर्टीन सिक्सटीन और नाइनटीन ठीक है ये हमने कर लिया डाटा अरेंज और सेंडिंग ऑर्डर में हमें ढूंढना है जो लाई करते हैं इन द मिडल ऑफ द डाटा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमारे पास नाइन वैल्यूज है और हमें मिडिल वाला ढूंढना तो है तो से देखेंगे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर मिडिल में क्या लाइक है थर्टीन मीन्स थर्टीन इज द मीडियन ऑफ द डाटा तो ये हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा जो डाटा है उसे एक ऑर्डर में अरेंज करना है उसके बाद ही आप मीडियम ढूंढ सकते हो अदरवाइज योर आंसर विल बी डिफरेंट एंड रॉन्ग ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है द क्वेश्चन सेज द वेट्स इन केजी ऑफ नाइन स्टूडेंट्स आर गिवन फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा तो हमें इस डाटा का मोड और मीडियन निकालना है अब दोनों ही केसेस में वी हैव टू अरेंज द डाटा तो हम इसको पहले सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ओके okay? तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास थर्टी टू राइट देन द नेक्स्ट वी हैव इज थर्टी फाइव ओके फिर देखो उससे बड़ा कौन सा नंबर है देन वी हैव थर्टी एट थर्टी एट वी हैव टू टाइम्स थर्टी एट एंड थर्टी एट फिर है हमारे पास फोर्टी देन वी हैव फोर्टी टू एंड देन वी हैव फोर्टी थ्री थ्री टाइम्स राइट फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री एंड फोर्टी थ्री ओके तो अभी हमें पहले ढूंढना है मोड अब मोड वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आका करता है तो आप बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है यू कैन क्लियरली सी कि 43 वी हैव थ्री टाइम्स तो मोड ऑफ द डाटा इज 43 मोड ज़ 43। थ्री वह नेक्स्ट है हमें ढूँढने मीडियन अब मीडियन वो नंबर होता है जो एकदम सेंटर में आकर करता है राइट और इस क्लास में हम डील करेंगे सिर्फ और नंबर्स के लिए जिसकी सेंट्रल वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं सो so, अब देखो हमारे पास नाइन ऑब्जर्वेशन है तो काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर ठीक है ये सेंट्रल वैल्यू हो गई फिर वन टू थ्री फोर तो सेंटर में क्या आ रहा है फोर्टी तो ये है हमारा मीडियन अब हम इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला कहता है एन प्लस वन अपॉन टू अब देखो इसमें ये एन क्या है एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस क्वेश्चन में कितनी है नाइन नाइन स्टूडेंट्स के लिए है. तो एन है हमारे पास नाइन उसमें हमने ऐड करना है वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू तो ये हो गया टेन डिवाइडेड बाय टू आंसर आया फाइव अब देखो ध्यान रखो ये फाइव हमारा मीडियन नहीं है ये फाइव है ऑब्जर्वेशन मतलब जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है या जो फिफ्थ वैल्यू है वो हमारी मीडियन है ठीक है देखो यहाँ से फिफ्थ वैल्यू कौन सी One, two, three, four, five. Fifth value है वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ वैल्यू थी फोर्टी और यही हमारा मीडियन है ओके सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला इससे आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है इसमें हमने पढ़ा था मीन मीडियन और मोड के बारे में एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस सो वील मीट इन आ नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग